चलो भाई बच्चों, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहले आप लोग जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये बता दीजिए पहले कि पीछे वाले के हमने सब कंप्लीट करा दिए ना, कुछ रहा तो नहीं उसका? ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छे से उसे? कल वो SHM वाली प्रॉब्लम समझ आ गई थी सभी लोगों को? ठीक है, तो चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉस थ्योरम और पोटेंशियल को कंबाइन करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, गॉस थ्योरम एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इसमें वो लिख लेते हैं थ्योरेटिकल सवाल जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नंबर वन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। नंबर वन है प्रूफिंग ऑफ गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। भैया एक क्वेश्चन यहां से पक्का आना है आप लोगों का, श्योर बिल्कुल। ठीक है, तीन नंबर या चार नंबर में एक डेरिवेशन यहां से जरूर बनेगी आप लोगों की। गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है और उसका कोई एक एप्लीकेशन, उसके तीन एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ने हैं, ड्यू टू लॉन्ग स्टेट वायर, ड्यू टू मेटेलिक शीट और ड्यू टू होलो स्फीयर। तीन, बस उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़नी है। लिखो उन तीनों का नाम भी लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मेटेलिक शीट और होलो स्फीयर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक, ओके, नेक्स्ट नंबर टू है भाई हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रूफ करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो थ्योरेटिकल और डेरिवेशन वाले सवाल सिर्फ इतने हैं जो आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या छोटे मोटे थ्योरेटिकल सवाल या न्यूमेरिकल, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर बीच में से इनमें से भी कोई आ गया तो इनमें से भी आप लोगों को बता देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डालिए हेडिंग, नंबर वन हेडिंग है आपकी कॉपी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम दो सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो सिचुएशन है हमारे पास में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। मान लो कोई शीट वगैरह आपको दे रखी है, कैसा भी सरफेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि शीट ही हो। इस शीट को क्रॉस करके लाइन जो है, इलेक्ट्रिक लाइन, वो दूसरी तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, वो इलेक्ट्रिक लाइन जो किसी सरफेस को कट करके दूसरी तरफ निकल जाए, उन लाइंस के नंबर को काउंट कर लीजिए और वो नंबर ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस का जो नंबर होता है ना, जो किसी सरफेस को कट करके दूसरी तरफ निकल जाता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले आएंगे हमारे सामने बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला फॉर्मूला है ये, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं? और ये हमारे पास में फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, जितने भी सवाल हम फ्लक्स के ऊपर बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हम फ्लक्स के ऊपर बनाएंगे, वो सारे के सारे सवाल इन्हीं दो फॉर्मूलों से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जनरली ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, किसी सरफेस को कट करता है और कट करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ निकल जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आए, किसी सरफेस को कट करे और कट करके दूसरी तरफ निकल जाए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अच्छा, नीचे वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ में लेकर आएंगे? मान लो कि कोई सरफेस है आपके पास में, सरफेस के अंदर रखा है क्यू चार्ज,
क्यू चार्ज के अंदर से निकलेंगी बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइनें, इस क्यू चार्ज के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइनें निकलेंगी। सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है और आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी है, उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यह है कि बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, हर तरीके का सवाल मैंने इसके अंदर रखा है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए वहीं से आपको आइडिया होगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर वन हमारे पास में ये है, प्रॉब्लम नंबर वन, ये पूरी की पूरी जो हमारे पास में पीडीएफ है ये सेंड कर देंगे हम आपके पास में, क्वेश्चन आप वहां से नोट करिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको सिर्फ आंसर नोट करना है और ध्यान देना है कि किस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक, अब आप देखिए कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में और क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले आप देखिए कि गिवन हमें क्या दिया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दिया है, आई कैप का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स की डायरेक्शन में है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा है, एक्स की डायरेक्शन में है, समझ में आ रही बात। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आएगा, किसी सरफेस को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया कि भाई जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सबसे पहले आप वो वैल्यूज लिख लीजिए जो आप लोगों के पास में गिवन है। नंबर वन, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और वो है 3×10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब, गिवन है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में। अब हमसे पूछा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। बेटा स्क्वायर है जिसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकाला जा सकता है, एक साइड हो गई 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 10×10⁻¹, एरिया निकाल दिया हमने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻¹, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब मुझे ये बताइए, देखो प्रॉब्लम की लैंग्वेज में सारी बात हमें क्लियर कर दी बिल्कुल, ये जो स्क्वायर जिससे हमें फ्लक्स निकालना है, प्लेन है स्क्वायर, ये बताइए ये कौन से प्लेन में रखा है, कौन से प्लेन में रखा है, वाई जेड प्लेन में रखा है ना, वाई जेड प्लेन में। हमें इस एरिए को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, हमें कहा कि ये जो एरिया है ये वाई जेड प्लेन में है, अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो कोऑर्डिनेट होते हैं तीन, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, यहाँ वाई और जेड है आपके पास में, क्या नहीं है, इसे याद रखने का ये बहुत आसान तरीका है, जो कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है बस वही एरिए के पीछे लगा दो, एक्स नहीं है तो एक्स को वेक्टर के टर्म में हम क्या बोलते हैं, आई कैप, ये लगा दिया हमने इसके पीछे आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन दे रखा था, एरिया में एरिया पहले हमने निकाला और अपनी तरफ से आई कैप लगा दिया, क्योंकि एरिया हमारा एक्स की डायरेक्शन में है, जो नहीं है उसी की डायरेक्शन में एरिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इतना, एरिया हो गया इतना, फ्लक्स का फॉर्मूला है बेटा अपने पास में, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, ये हमारे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए जरा, ये बताइए कि यहां आई के सामने क्या लिखा है, ये, और यहां आई के सामने क्या लिखा है, बोलो, चलो ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में 10×10⁻³ कर दिया हम लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100×10⁻⁴, 10×10⁻³। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आई के सामने लिखा है बेटा हमारे पास में ये वैल्यू, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ना बहुत आसान है, यहाँ आई का कॉफिशेंट ये है और यहाँ आई का कॉफिशेंट ये है, डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो आई के कॉफिशेंट से आई के कॉफिशेंट को ही मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले को के से मल्टीप्लाई करते हैं, जे और के यहाँ नहीं है तो सिर्फ आई वाले को हमने आई वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई किया। सो फ्लक्स इज इक्वल टू 3×10⁻³ × 10×10⁻³। ये 10⁻³, ये 10⁻³ कैंसिल आउट, 3×10 बेटा कितना आ गया, 30। अरे आया भाई, तो हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू आ गई है 30 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट। ठीक है, अच्छा
अगर सेम क्वेश्चन मेरे पास में कुछ ऐसे होता, ये तो मैंने निकाल दिया आपके सामने आंसर कि भाई आंसर आ गया 30, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मेरे पास में ये होती कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास में ये रहा 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में इतना है, मैंने आपके सामने लिख दिया। एरिया ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, एरिया की वैल्यू है साइड इंटू साइड, यानी 100 × 10⁴। ठीक है, इस बार मुझे ये कहा कि जो एरिया है ना मेरा, ये वाई जेड प्लेन में ना होकर एक्स जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? मतलब जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें तो वाई जेड प्लेन में था, मैंने अपनी तरफ से मान लिया वाई जेड प्लेन में था, मैंने अपनी तरफ से मान लिया एक्स जेड प्लेन। तो एक्स है यहाँ पर, जेड है यहाँ पर, क्या नहीं है? वाई को हम वेक्टर में लिखते हैं जे कैप। क्या लिखते हैं? तो हम इसके पीछे क्या लिखेंगे? जे कैप लिखेंगे। जे कैप समझ में आ रही है सभी लोगों को बात? करते हैं मल्टीप्लाई। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में रहता है बेटा, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये 3 × 10³ आई कैप, एरिया की वैल्यू है 100 × 10⁴ डॉट जे कैप। बेटा ये क्या है और ये क्या है? आई डॉट जे हमेशा जीरो के इक्वल होता है जब तक यहां सेम नंबर रहेंगे। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अगर इसके अलावा कुछ और रहेगा, आई डॉट जे है या जे डॉट के है या के डॉट आई है, समझ में आ रही बात? कोई भी वैल्यू हमारे पास में इसके अलावा रहेगी तो वो वैल्यू हमारे पास में जीरो होने वाली है। क्या होने वाली है? तो ये बताइए ये क्या है यहां पर आई, और ये क्या है? तो आई डॉट जे क्या बन जाएगा? और फ्लक्स की वैल्यू भी हमारे पास में जीरो आ जाएगी। समझ में आ गई बात? मैं अब इस तरीके का सवाल दोबारा से नहीं बताऊंगा आपको। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लेना है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन दिया है 3 × 10⁴, ठीक है, आई कैप प्लस 4 × 10³ जे कैप, दो वैल्यूज दे दी हम लोगों को, 3 × 10⁴ आई कैप, 4 × 10³ जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो वैल्यूज हैं हमारे पास में। ठीक है, एरिया हमें दिया बेटा, एरिया है साइड उतनी है, कितनी साइड दे रखी है तुम्हें? एरिया में कन्वर्ट करो साइड को। एरिया कैसे निकालोगे? साइड इंटू साइड, कितना निकल जाएगा? 100 × 10⁻¹। तुम्हें इस बार ये कह दिया कि ये जो तुम्हारा एरिया है ना, इस बार ये एक्स वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में है भाई? हमने वाई जेड प्लेन की भी बात कर ली, हमने एक्स जेड प्लेन की भी बात कर ली, इस बार हमने मान लिया एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो एक्स है आपके पास में, वाई भी है आपके पास में, क्या जेड है यहां पर? इसका मतलब एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो जेड की डायरेक्शन में ही होगी, और जेड रिप्रेजेंट करता है के कैप को। किसे रिप्रेजेंट करता है? तो हम यहां इसके पीछे लगा देंगे के कैप। समझ में आ रही बात? मुझे ये बताइए इसमें क्या है आपके सामने और क्या है? के है यहां पर, नहीं है तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं जीरो के। लिख दिया हमने अपनी तरफ से जीरो के। अब एरिया में आ जाइए, एरिया में क्या है? जे और आई है यहां पर, हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे अपनी तरफ से? जीरो जे प्लस जो नहीं है उसके सामने जीरो लगाकर अपनी तरफ से लिख दो। बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बताइए अब आई के सामने क्या है और यहां आई के सामने 3 × 10⁴। ये आई के कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। जे के सामने जीरो है, यहां जे के सामने ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो ही आएगा। के सामने ये वैल्यू है, यहां के सामने जीरो है, बेटा के वाले की मल्टीप्लाई के वाले से, जे वाले से, आई वाले की आई वाले से। समझ में आ रही बात? हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया? यानी जो टोटल फ्लक्स हो गया मेरे पास में वो जीरो हो गया। अब बताओ गड़बड़ होगी या नहीं होगी, कर पाओगे आप लोग आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब दोबारा से मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बताओ कि कर लोगे इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जल्दी से बताओ जरा। 3 × 10³ जे नहीं है तो जीरो, और के नहीं है तो जीरो, जे तो नहीं है इसमें तो जीरो जे और जीरो के। एरिया कितना है हमारे पास में, साइड कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर।
तो एरिया हो गया 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, एरिया है वाई जेड प्लेन में, वाई है जेड है क्या नहीं है, एक्स के पीछे हमने क्या लगाया आई, 0j + 0k, देखो j के सामने 0, j के सामने 0, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आई के सामने ये है, यहां आई के सामने ये है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, मल्टीप्लाई करोगे बेटा आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, ये वैल्यू रहेगी। इसका बी पार्ट देख लेते हैं एक बार, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं इसका क्या है। देखो बी पार्ट में ये कहा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में तो फ्लक्स हमारा इतना है, ठीक है, अगर हमने उसे 60 डिग्री घुमा दिया तो 60 डिग्री घुमाने के बाद में बताओ कितना फ्लक्स होगा, 60 डिग्री घुमाने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है हम लोगों को ये बताना है जब हमने उसे 60 डिग्री रोटेट करा दिया। बहुत आसान है, कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 60 डिग्री हमने उसे रोटेट करा दिया तो बेटा फिर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में ये ई वैक्टर डॉट एरिया वैक्टर, जब इसके ऊपर से वेक्टर हटाया जाएगा तो ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। उसने साफ साफ कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे ई ए कॉस थीटा। ई कितना है आपके पास में, 3 × 10³, एरिया है 100 × 10⁻⁴, थीटा की जगह रखेंगे कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व कर ले जा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 15 और फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 30, ठीक, क्लियर। हो गया, बढ़े आगे, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ध्यान रखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पहले से ही कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो एज इट इज बिल्कुल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना इसे। चलिए बेटा अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2 में, ठीक है, देखो बात सुनिए, क्या है हमारे पास में प्रॉब्लम जरा देखिए, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम अभी जस्ट हम लोगों ने करी उसी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, सिर्फ क्या हुआ हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर दी, उसने कहा हम लोगों से इस बार थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 cm ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन कौन कौन से हैं हमारे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कहानी कुछ इस बार इस तरीके से है कि मान लो कि ये क्यूब दे दिया आपको, क्यूब तो जानते हो ना सभी लोग क्यूब कैसा होता है, अब क्यूब के जो फेसेस हैं आप लोगों के, क्यूब के जो सरफेस हैं, क्यूब के जो आप लोगों के पास में सरफेस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ जरा ध्यान देना, एक तो हो गया एक्स, एक क्या हो गया और एक क्या हो गया, अब जरा ध्यान देना यार, एक सरफेस यहां हो गया, एक सरफेस ये है क्यूब का, एक सरफेस ये है, ठीक है, ये बताओ इस सरफेस की एक साइड एक्स के पैरेलल है या नहीं है, अरे है भाई, दूसरी साइड किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, ठीक है, एक सरफेस हमने कुछ ऐसे लेट कर दिया लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा एक्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसकी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 3 × 10³ न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप, ठीक है, अब बताना क्या आंसर निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से, सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, बेटा फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है अपने पास में वो ये है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या हम इसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यार, सरफेस ऐसे है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। अगर तुम इस सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना, एंगल जो थीटा आप लोगों को दिख रहा है, वो सरफेस का परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल होता है। मैंने सरफेस ऐसे लेट कर दिया, समझ में आ रही बात? अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर कहां जाएगा? बाहर जाएगा या नहीं जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यानी जो सरफेस एक्स वाई के पैरेलल है, किसके पैरेलल है? जो एक्स वाई के पैरेलल है, उससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो के बराबर होगा। जो उससे पास होने वाला फ्लक्स होगा हमारा, वो जीरो के बराबर होगा। तो पहली कंडीशन है, एक्स वाई वाले से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो हमारा जीरो के इक्वल है। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को हम लोगों ने क्या किया? सेकंड पॉइंट देखो, जो आप लोगों का मिस कॉन्सेप्ट है वो सेकंड पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। भाई एक बार तो हमने मान लिया इसे एक्स वाई के पैरेलल, एक बार मैंने क्या किया, इस एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया जेड से। अरे किससे किया? अगर वहां जेड कर दिया तो डेफिनेटली यहां हो जाएगा एक्स। एक्स का मतलब इधर नहीं होता, एक्स का मतलब बाहर की तरफ होता है। ठीक है, एक्स का मतलब ये बाहर की तरफ है। अगर मैंने एक्स इधर माना है तो एक्स का मतलब बाहर की तरफ है। अब मुझे जरा बताइएगा ध्यान से, बिल्कुल ये बताइए, अगर ये सरफेस है आपके पास में, इसकी एक साइड किसके पैरेलल है? एक साइड किसके पैरेलल है? तो कौन सा प्लेन हो गया? हो गया वाई जेड प्लेन। समझ में आ रही बात? ओके, समझ आ रही सभी लोगों को बात? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस बार मैंने एक्स बाहर की तरफ माना है, ये एक्स मैंने बाहर की तरफ मान लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। सरफेस ऐसे है सरफेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, सरफेस ऐसे, सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी बाहर की तरफ जाएगा। बताओ जाएगा या नहीं जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, सरफेस का परपेंडिकुलर भी बाहर की तरफ है। बताओ दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? कितने डिग्री? जीरो डिग्री। तो हम कहेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। सो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में है कितना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में 3 × 10³। एरिया कितना है आपके पास में? 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लो भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है। प्रीवियस प्रॉब्लम की ही बात हो रही है, समझ में आ रही बात आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास में है, एरिया भी हमारे पास में है। पुट करो, मल्टीप्लाई करो, यहां से आप लोगों का फ्लक्स निकल जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक एरिया चाहिए, एक उनके बीच का एंगल चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर मैं थर्ड सिचुएशन में जाता हूं, भाई हमने एक्स वाई प्लेन की भी बात कर ली, इस बार ये कौन सा प्लेन है जरा जल्दी से बताओ? वाई जेड प्लेन है। अरे है या नहीं है वाई जेड प्लेन? इस बार हम बात करते हैं एक्स जेड प्लेन की। कौन से प्लेन की? एक्स जेड प्लेन की हम बात करते हैं। मैंने इधर लेट कर दिया है एक्स, क्या लेट किया? और इधर क्या लेट कर दिया? बताओ इस सरफेस की एक साइड किसके पैरेलल है? और एक साइड, तो कौन सा प्लेन हो गया इस बार ये हमारे पास में? एक्स जेड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में, उसने हमें पहले ही कह रखा है। ठीक है, सरफेस हो गया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर की तरफ है। अरे है या नहीं है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहां जाएगा? इधर। ये सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। परपेंडिकुलर यहां चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और फ्लक्स निकल जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, क्लियर? पता चला आप लोगों को हम लोगों ने कैसे निकाला? 2-3 क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को क्लियर होना स्टार्ट होगा कि भाई फ्लक्स के प्रॉब्लम्स के साथ में कैसे डील करना है आप लोगों को। ठीक है, कहां कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, ओके, नेक्स्ट। अब देखो बेटा, ये है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो इस प्रॉब्लम से पहले एक और प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं। जरा ध्यान देना भाई अच्छे से। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 × 10³। ठीक है, साथ में है आई कैप प्लस 4 × 10³ जे कैप प्लस 6 × 10³ के कैप
और ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है और ये न्यूटन पर कूलाम में है। ठीक है, एरिया जो है वो आप लोगों को दिया है एक स्क्वायर, स्क्वायर टाइप एक शीट दी है आपको। ठीक, ये पूरी स्क्वायर टाइप आपको एक शीट दे रखी है जिसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है तो एरिया हो गया 400 × 10⁻⁴। ये बताओ समझ आ गया एरिया कैसे निकाला? लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो या साइड इंटू साइड कर लो या साइड का स्क्वायर कर लो, ये निकल गया एरिया आपके पास में। और आपको ये कह रखा है कि ये जो शीट आप लोगों को दिख रही है ना, ये जो शीट है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब हर बार ऐसा नहीं कि भाई सवाल पढ़ा और अंधाधुन प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर दी। पहले थोड़ा सा सोचो कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या गिवन दिया है आपको, इसके साथ कोई छेड़छाड़ की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन दिया है, पूरी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, एरिया हमने निकाल दिया साइड इंटू साइड करके, एरिया निकल गया 400 × 10⁻⁴। उसने कहा कि ये जो एरिया है आपके पास में ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस का मतलब यह है कि अगर ये एरिया है ना ऐसे, एक्स एक्सिस उसके अंदर से पास हो रहा है, ऐसे एक्स एक्सिस उसके अंदर से, समझ में आया, एक्स एक्सिस उसके अंदर से पास हो रहा है ऐसे। ये पूरा एरिया है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस ऐसे है। ठीक है, तो मुझे बताओ जब इस एरिया का एक एरिया वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो वो एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। देखो इसी तरफ तो एक्स एक्सिस है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बताओ एरिया के पीछे हम क्या लगाने वाले हैं? आई कैप। क्या लगाने वाले हैं? क्यों लगाया हमने आई कैप? क्योंकि एरिया का जो परपेंडिकुलर है वो एक्स की डायरेक्शन में गया है। क्लियर हो गई बात? हमें कैसे पता चला एक्स की डायरेक्शन में गया है? क्योंकि पहले से आप लोगों को बोल रखा था कि भाई एरिया का जो एक्स एक्सिस है वो शीट के ऐसे परपेंडिकुलर है, जो एक्स एक्सिस पास होता है वो शीट के परपेंडिकुलर पास होता है। नहीं समझे? समझ में आ रही बात? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी एक्स के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो अब आगे तो बहुत आसान है, आगे तो कुछ बहुत खास काम नहीं है, आराम से आप कर पाएंगे। ये बता दीजिए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फ्लक्स इज इक्वल टू, ये बताइए आई के सामने क्या लिखा हुआ है और यहां आई के सामने कुछ और नहीं है ना? अरे कुछ और है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो। 400 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 800, ये 10⁻⁴, ये +3, ये बन जाएगा 10⁻⁹, फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी 80 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फटाफट। अरे है भाई, समझ में आ गई बात? जल्दी से नोट डाउन करिए फास्ट। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस इसके अंदर से पास हो रहा है। बेटा जब तक बेसिक काम नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप इसका एक अच्छा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो जरूरी है कि सबसे पहले आप इसके फंडामेंटल को और बेसिक को समझिए अच्छे से। बिल्कुल, ओके बताइए समझ में आ गई क्या बात सभी लोगों को? अरे बोलो भाई, समझ आ गया? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम को हमें अब कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहले हम सारे जो ये हमारे वेक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना, हम यही करेंगे। उसके बाद हम गॉस थ्योरम की, जो गॉस थ्योरम से हम सवाल बनाते हैं उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, ये है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा ये पूरा क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है। देखो, एक्स की डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है, वाई और जेड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है?
वाई और जेड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आ रही सभी लोगों को बात? ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है इतनी 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो भैया हमें बताना है टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन दिया है वो इलेक्ट्रिक एक्स की डायरेक्शन में गिवन दिया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अल्फा अंडर रूट एक्स। ठीक है, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है इधर से, और इधर से आकर इधर निकल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बिल्कुल गौर करना ध्यान से बेटा। ये है हमारे पास में क्यूब का फर्स्ट सरफेस, यानी जिसे हम फ्रंट सरफेस का नाम देंगे, जिस पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले टकराएगा, और फिर इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर निकलने वाला है। इस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलने वाला है। ठीक है, देखो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा एंटर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा। ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकल जाएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यहां से बाहर निकलेगा हमारा कुछ ऐसे। ठीक है, अब जो फ्लक्स हमारा एंटर करता है उसे हम नाम देते हैं इनवर्ड फ्लक्स। क्या नाम देते हैं? और जो बाहर निकलता है उसे हम नाम देते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक, बताओ पहले इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया सभी लोगों को समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो क्यूब के इस वाले सरफेस से लाइनें एंटर करेंगी और इस सरफेस से लाइनें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जो फ्लक्स हमारा एंटर करेगा उसका नाम है इनवर्ड, और जो बाहर निकलेगा उसका नाम है आउटवर्ड। आपको करना क्या है, इनवर्ड फ्लक्स निकालना है, आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है, दोनों का सम कर देना है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम लोग? बेटा इनवर्ड फ्लक्स की जो वैल्यू है ना वो हमेशा फिक्स है, और इनवर्ड फ्लक्स होता है नेगेटिव नेचर का। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये हमारे पास में इनवर्ड फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है, माइनस इनवर्ड में हमेशा आपको माइनस लेना है, क्योंकि लाइनें एंटर कर रही हैं, जो लाइनें एंटर करती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपके पास में, जरा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अल्फा अंडर रूट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोगों ने लिख दिया अल्फा अंडर रूट एक्स। हो गया अल्फा अंडर रूट एक्स, समझ आ रहा है सभी लोगों को? अच्छा, कैपिटल ए का मतलब क्या है? कैपिटल ए का मतलब है ये जो मैंने, जिस पर ये ब्लैक कलर की मैंने शेडिंग की है, ये वाला एरिया, क्योंकि जिस एरिया से लाइन एंटर करेंगी सिर्फ आपको वही एरिया लेना है, पूरे क्यूब का एरिया आपको नहीं लेना है, सिर्फ ये वाला एरिया लेना है। ये जो पिंक कलर की मैंने इसके ऊपर आउटलाइन की है ना बेटा, आपको सिर्फ ये एरिया लेना है। देखो ये क्यूब की एक साइड कितनी है, ए, ये साइड भी कितनी होगी, ए, ये साइड भी कितनी होगी, हमें सिर्फ इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ए, ब्रेथ कितनी है, ए, कितना एरिया निकलेगा इसका, ए स्क्वायर। अरे क्या निकलेगा? लो भैया इनवर्ड फ्लक्स हमारा निकल चुका है, इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा, साथ में क्या है, ए स्क्वायर, और यहां क्या है, अंडर रूट एक्स। अब देखो एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, बिल्कुल ध्यान से, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा? एक्स की जगह हम पुट करेंगे, ये बताइए कि ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला सरफेस, ये ओरिजिन से कितना दूर है? समझ में आ रही बात? तो जब आप इनवर्ड फ्लक्स की बात कर रहे हो ना, तो एक्स का मतलब ये है कि पहला सरफेस ओरिजिन से कितना दूर है। आपको डायग्राम बनाकर दे रखा है, और उसमें साफ साफ दिया है कि पहला सरफेस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, तो आपको एक्स की जगह पुट करना है ए। हमने एक्स की जगह, इस वाले एक्स की जगह पुट कर दिया है ए। सो इनवर्ड फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई माइनस के अल्फा, यह है ए स्क्वायर, अंडर रूट ए का मतलब है ए की पावर 1/2, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर 5/2। लो भैया ये निकल गया हमारे पास में इनवर्ड फ्लक्स। ठीक, अब हम निकालते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, जरा ध्यान से। जैसे आपने इनवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव लिया है बिल्कुल वैसे ही आउटवर्ड, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव लिया है बिल्कुल वैसे ही आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव प्लस ई। समझ रहे हो सभी लोग? इनवर्ड फ्लक्स हमने कैसा लिया है, नेगेटिव, तो बिल्कुल उसी के जैसा, क्योंकि लाइनें बाहर निकलेंगी, जो लाइनें बाहर निकलती हैं वो पॉजिटिव टेक की जाती हैं। ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव। सो आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, बेटा ई को क्या लिखने वाले हो जरा बताओ जल्दी से, अल्फा अंडर रूट एक्स, और एरिया को क्या लिखने वाले हो, एरिया इस
ब्लैक कलर पर जो मैंने शेडिंग कर रखी है ना, ये ब्लैक कलर की शेडिंग, सिर्फ ये वाला एरिया लेना है। जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा ये वाला एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके, सो आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर। देखो इस बार एक्स की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स की जगह हम लिखेंगे कि ये जो दूसरे वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा सरफेस ओरिजिन से कितना दूर है, यानी ओरिजिन से लेकर यहां तक कितना दूर है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, तो पूरा ओरिजिन से लेकर वहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2a, तो x की जगह हम पुट कर देंगे 2a। समझ आया या नहीं आया, ये हमने पुट कर दिया है 2a। सो आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अल्फा ए, ये 2 है, ये a की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा a की पावर 5/2। ठीक है, ये निकल गया आउटवर्ड और ये निकल गया इनवर्ड। ठीक है, टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो है इनवर्ड फ्लक्स प्लस आउटवर्ड फ्लक्स, ये हमारा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो यहां तो अब हमारे पास में जगह नहीं है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, इनवर्ड की वैल्यू है माइनस के अल्फा ए की पावर 5/2 और आउटवर्ड की वैल्यू है अंडर रूट टू अल्फा ए की पावर 5/2। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू अल्फा ए की पावर 5/2 और अंदर बचेगा अंडर रूट टू माइनस 1। लो भैया, ये निकल जाएगी हमारे पास में टोटल फ्लक्स की वैल्यू। अब आपको अल्फा की वैल्यू गिवन दे रखी है, अल्फा ऑलरेडी आपको गिवन दिया है, कितना है अल्फा जरा बताओ, 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, माइनस 4 ऊपर आकर प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या गिवन दे रखी है, 0.1 कितनी है, और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414। यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहां से टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी दो क्वेश्चन हम इसके जैसा बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों से एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं फिर आपके सामने। पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आंसर आराम से नोट करिएगा अपनी कॉपी में। हो गया बच्चों, बड़े आगे
हो गया सभी का? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, इसके साथ ना एक चीज हम मिक्स करेंगे, और उस मिक्स करने के लिए उसे उससे पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा गॉस थ्योरम। ठीक है, बात मत करिए बेटा। देखो बेटा, टॉपिक है अपने पास में गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बेसिकली है क्या, कोई चार्ज हमें दे रखा है प्लस क्यू, और ये सरफेस चारों तरफ से बंद है। ठीक है, ये जो सरफेस है ये चारों तरफ से हमारा क्लोज्ड है। तो ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है ना, इसके अंदर से बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस को कट करके जब बाहर निकलेंगी, तो हमें ये बताना है कि इस ब्लैक सरफेस को कट करके कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं। तो गॉस के मुताबिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज मौजूद है क्यू, उसे आप एप्साइलन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। सरफेस के अंदर जो आपका टोटल चार्ज मौजूद है उसे एप्साइलन नॉट से डिवाइड करिए, एप्साइलन नॉट कॉन्स्टेंट है, और एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू है आपके पास में वो है 8.85 × 10^-12, आप इससे डिवाइड करिए तो फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और फ्लक्स हमारा यहाँ पर ये जो फाई है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर छोटी मोटी बातें किस तरीके से बनेंगी वो हम आपको बता देते हैं। देखो भाई, बात सुनो जरा ध्यान से। मान लो कि एक सरफेस के अंदर तीन चार्ज रखे हैं और एक चार्ज रखा है बाहर। ठीक है, एक सरफेस के अंदर तीन चार्ज रखे हैं, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, क्यू डैश, और एक चार्ज रखा है बाहर क्यू वन। हमें बताना है कि सरफेस से कितनी लाइनें बाहर निकलने वाली है। गॉस थ्योरम यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, और गॉस थ्योरम के मुताबिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है कितना चार्ज सरफेस के अंदर मौजूद है। हमें वो चार्ज बिल्कुल नहीं लेना है जो सरफेस से बाहर रखा है, सिर्फ वही चार्ज लेना है जो सरफेस के अंदर मौजूद है। बताइए सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और क्यू डैश, तीनों को ऐड कर दीजिए, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस क्यू डैश एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स हमारा यहां से पास हो रहा होगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और देखिए आप इसके अंदर, एक सरफेस है हमारे पास में, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, प्लस क्यू के अंदर से बहुत सारी लाइनें पास होंगी। अब देखो यार, ऐसा है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ क्लास के अंदर मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि पढ़ा नहीं सकता हूँ। 1 जनवरी से हम एक बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, जिन लोगों से थ्योरी नहीं आती है, तो तुम में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा यहाँ बैठा है कि जिसे नहीं पता है बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट गॉस थ्योरम क्या है, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब मैं रिविजन बैच में ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, फिर वो रिविजन बैच नहीं रहेगा, फिर वो रेगुलर बैच बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊँ, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ, और आप लोगों की जो प्रैक्टिस है एनसीईआरटी को लेकर और प्रीवियस ईयर को लेकर, वो अच्छी तरीके से हम लोग कराएं यहाँ पर। यहाँ अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने लग गया तो सारा एक यूनिट को तैयार करने में कम से कम 2 महीने हम लोगों को लगेंगे। ठीक है, तो तुम में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे थ्योरी नहीं आती है, कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, थ्योरी का बिल्कुल नहीं पता है कि भाई गॉस थ्योरम क्या है, जो 1 जनवरी से हम बैच स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन के लिए दोनों बैच ज्वाइन कर लेना, वो जनवरी वाला बैच भी ज्वाइन कर लेना और ये वाला बैच भी ज्वाइन कर लेना, तो तुम्हारी जो थ्योरी है वो अच्छे तरीके से उस बैच के अंदर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अपना ये कंटिन्यू रखना, इसके अंदर तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो तुम्हारी अच्छे तरीके से बन जाएगी। ठीक है, यहां हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा सकते हैं आप लोगों को। ठीक, तो सवाल कैसा हमसे बनेगा ये जरा पूछिए, ध्यान से देखिएगा जरा। भाई सरफेस दे रखा है, सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, रेड वाले सरफेस से लाइनें पास हो रही हैं, ये कहा अगर रेड वाले सरफेस की रेडियस को बढ़ाकर हमने दोगुना कर दिया, रेड वाले सरफेस की रेडियस को बढ़ाकर हमने इतना कर दिया। ठीक है, ये इसकी रेडियस थी स्मॉल आर, हमने रेडियस कितनी कर दी स्मॉल आर से 2r, तो बताइए फ्लक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, जब रेड वाला सरफेस था तो उसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है क्यू, और ये जो ब्लैक वाला है, ध्यान से देखिएगा, आपको सिर्फ चार्ज से मतलब है, रेड वाले के अंदर भी क्यू मौजूद है और ब्लैक वाले के अंदर भी क्यू मौजूद है, और फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पर, किस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दोनों के फ्लक्स का रेशो बताइए क्या होगा, आप कहेंगे कि भाई 1:1 होगा, क्योंकि जितना चार्ज रेड वाले के अंदर मौजूद है बिल्कुल उतना ही ब्लैक वाले के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि एरिया बढ़ाने से फ्लक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब आपके सामने गॉस थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला यह है कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये आप अप्लाई करेंगे, टोटल चार्ज को एप्साइलन नॉट से डिवाइड करना है, और फ्लक्स एरिया के ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं है।
समझ में आ रही बात। मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं जो एग्जाम में आ रखे हैं या एनसीईआरटी के हैं, उससे पहले दो तीन प्रॉब्लम मैं अपने आप से आप लोगों को बता देता हूं, कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर वन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। नंबर वन प्रॉब्लम क्या है? इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्पेयर, पासिंग थ्रू द स्पेयर ऑफ रेडियस, पासिंग थ्रू द स्पेयर ऑफ रेडियस 2a, 2a। देखो बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। आपके सामने एक फिगर बना रखा है कुछ इस तरीके से। यहां हमारे पास में एक चार्ज रखा है और चार्ज की वैल्यू है प्लस टू क्यू, ठीक। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0, a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a, 0। और यहां चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। यहां एक चार्ज हमारे पास में रखा है क्यू डैश। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4a, 0। अब देखो, आप लोगों से कहा क्या है, बहुत जरूरी है प्रॉब्लम की लैंग्वेज को समझना। आपसे ये कहा है उस स्पेयर से आपको फ्लक्स बताना है, उस गोले से आपको फ्लक्स बताना है जिसकी रेडियस है 2a। रेडियस क्या है? अब आप देखिए जरा ध्यान से बेटा, ऐसा है, हमने ओरिजिन को तो मान लिया है सेंटर, ओरिजिन को क्या मान लिया है, और रेडियस है 2a। ये कितना है? a। ये कितना है? यहां बैठेगा कहीं 2a। ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 2a, ये रेडियस है 2a। समझ आ रही बात? बिल्कुल इतनी ही डिस्टेंस ऊपर, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2a। ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 2a, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 2a। समझ आ गई बात आप लोगों को? देखिए 2a का पॉइंट हमने एक पॉइंट यहां मार्क किया, एक पॉइंट यहां मार्क किया, एक पॉइंट यहां मार्क किया, एक पॉइंट यहां मार्क किया। इस पूरे गोले से जो फ्लक्स पास होगा आप लोगों को वो बताना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं यहां एक स्पेयर। ये पूरा स्पेयर हमने आपके सामने बना दिया, बन गया, ठीक है। आपको इस गोले से पास होने वाला फ्लक्स बताना है कितना होगा। अब गॉस थ्योरम के मुताबिक फ्लक्स का बड़ा आसान फॉर्मूला है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो चार्ज आपको लेना है जो स्पेयर के अंदर मौजूद है, ठीक है। पहले ये देख लो कि कौन कौन से चार्ज स्पेयर के बाहर मौजूद है। माइनस के 2q गोले के अंदर है या बाहर है? नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये जो क्यू डैश है ये गोले के अंदर है या बाहर है? बाहर है। कौन कौन से चार्ज गोले के अंदर मौजूद है? स्मॉल क्यू, अरे है भाई, और कौन सा है? प्लस टू कैपिटल क्यू, और ये कितना है? तो इस पिंक वाले गोले से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू बनेगी प्लस टू क्यू प्लस क्यू, और क्या है हमारे पास में? माइनस हो गया भाई, ये माइनस है, माइनस क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स इज इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लो भैया, ये है हमारे पास में प्रॉब्लम। रिसेंटली अभी दिल्ली सीबीएसई के अंदर ये प्रॉब्लम पूछी गई थी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात, नोट करिए फटाफट। आपको सिर्फ वो चार्ज लेने हैं जो स्पेयर या जो भी आपको क्लोज सरफेस दे रखा है उसके अंदर मौजूद है, बाहर वाले चार्ज से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो गया, समझ आ गई बात। तो फ्लक्स एक तो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा, और एक किस पर डिपेंड नहीं करेगा? जो चार्ज सरफेस के कहां रखा है? बाहर रखा है, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है ना बात? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस या पासिंग थ्रू द सरफेसेस S1 एंड S2,
एस वन एंड एस टू। ठीक है, देखो बेटा यहां पर ध्यान से, यह है प्रॉब्लम नंबर टू हमारे पास में, एक छोटा स्फीयर और एक है हमारे पास में यह बड़ा स्फीयर। ठीक है, एक सरफेस को हमने नाम दिया है एस वन और दूसरे सरफेस को हमने नाम दिया है एस टू। यहां चार्ज मौजूद है प्लस क्यू वन, यहां है प्लस क्यू टू, यहां है प्लस क्यू थ्री और यहां मौजूद है प्लस क्यू। ठीक है, ये है हमारे पास में प्रॉब्लम। आपको ये बताना है कि दोनों से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि S1 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। जब आपको S1 से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो आपको सिर्फ S1 S1 के अंदर का चार्ज देखना है कितना होगा। जब आपको S1 के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ S1 के अंदर का चार्ज देखना है कितना होगा। बताइए S1 के अंदर कितना चार्ज है, बहुत आसान, कितना है Q1 Q2 Q3। तो S1 के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स हो गया Q1 plus Q2 plus Q3 divided by epsilon naught equation number 1। अब आप मुझे ये बताइए कि S2 के अंदर कितना चार्ज मौजूद है। जब आप S2 के अंदर चार्ज देखोगे ना बेटा, सुनो ध्यान से, जब आप बड़े वाले गोले के अंदर आप चार्ज देखोगे तो छोटे वाले गोले को आप भूल जाइए, सिर्फ बड़े वाले गोले पर ध्यान दीजिए और उसके अंदर के चार्ज पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बताइए बड़े वाले गोले के अंदर कितना चार्ज है, Q1 Q2 Q3 इसके अंदर है या नहीं है? छोटे वाले गोले के अंदर तो है ही, बड़े वाले गोले के अंदर भी है, और कितना चार्ज है, कैपिटल Q। तो हमारे पास में क्या बनेगा, कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्साइलन नॉट। समझ आई बात आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। आपको निकालना है इनका रेशो, सो फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सरफेस रेशो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंड सरफेस, एप्साइलन नॉट से एप्साइलन नॉट कैंसिल आउट, ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लो भैया ये हो गया हमारे पास में फ्लक्स का रेशो। हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखने में ना बहुत आसान लग रहा है, और आप यकीन मानिए कि कम से कम पांच में से चार बार इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है फ्लक्स के ऊपर से। मोस्ट प्रोबेबल इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाकर दे दिए, मैंने दो बनाकर दे रखे, वहां वो तीन बनाकर दे देगा, समझ में आ रही बात। और ये पूछेगा कि फ्लक्स का रेशो बताओ कितना होगा, तो पहले छोटे वाले गोले को देखो, उसके अंदर एक इक्वेशन लगा दो, फिर उससे बड़े वाला गोला, फिर सबसे बड़े वाला गोला, अगर तीन गोले हैं आपके पास में, तीनों का रेशो निकालो, आंसर। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर एस, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर एस। ठीक है, सिर्फ एक बार इस तरीके का सवाल पूछा गया है भाई आप लोगों से। स्फीयर दे रखा है और उसके अंदर दो चार्ज रखे हैं, बताइए दो चार्ज कौन कौन से हैं। एक तो इसके सेंटर पे रखा है, कितना चार्ज है, ठीक। एक रॉड रखी है, रॉड के ऊपर भी कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। आपको बताना है कि इस पूरे स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। हमने क्या किया बच्चों, ये तो चार्ज कैपिटल क्यू है ही, हमने इस रॉड के चार्ज को स्मॉल क्यू मान लिया। अरे कितना माना बताओ, पूरे गोले के अंदर कितना चार्ज हो गया, जल्दी से बताओ कितना चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू तो इसका है और रॉड का चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। तो यहां से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है उस टर्म में जो हमें गिवन दिया गया है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, हमें गिवन दिया है लैम्डा, लैम्डा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी,
लैम्डा हमें गिवन दिया है और लैम्डा को हम लिख सकते हैं dq अपॉन dx, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा को हम लिख सकते हैं dq अपॉन dx, ठीक है। अब आप आगे देखो, ये बताओ लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन क्या दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है kx, समझ आया। आगे हम लिखेंगे dq इज इक्वल टू kx dx, हमने dx की मल्टीप्लाई उस तरफ कर दी तो ये बन गया dq इज इक्वल टू kx dx। अरे समझ आया, dq का मतलब जानते हो क्या है, dq का मतलब है इस रॉड के एक छोटे से पोर्शन का चार्ज dq है, समझ में आ रही बात। हमें पूरी रॉड का चार्ज निकालना है तो छोटे चार्ज को अगर बड़े चार्ज में बदलना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dq का मतलब है रॉड के एक छोटे से पोर्शन का चार्ज dq है, हमें पूरी रॉड का चार्ज निकालना है, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। ये बताओ रॉड कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां फिनिश हो रही है, और इधर हो गया जीरो से लेकर q, dq का इंटीग्रेशन q के x की पावर 1 इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से लेकर l तक, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x की जगह l पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा kl स्क्वायर बाय 2, हो गया kl स्क्वायर बाय 2, ये हमारी चार्ज की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल इस चार्ज को यहां से उठाकर स्मॉल q की जगह रखोगे और सॉल्व करोगे, क्या बनेगा जरा बताओ, कैपिटल Q प्लस KL स्क्वायर बाय 2 अपॉन एप्साइलन नॉट, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 2 कैपिटल Q प्लस KL स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नॉट। लो भैया ये बन गई हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, ठीक। सेंटर में चार्ज कितना रखा है, कैपिटल Q, रॉड के चार्ज के लिए हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन दे रखी है, हमने रॉड के चार्ज को अपनी तरफ से स्मॉल Q लेट कर लिया, ठीक है। और स्मॉल q लेट करके पहले हमने उस स्मॉल q की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली ये आपको तभी पता हो सकता है जब आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा हो, मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम वो बैच पढ़ाएंगे तो जिसे प्रॉब्लम है थ्योरी के अंदर या जो भूल चुका है वो उस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, आप चिंता मत करिएगा, इसी में पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चार्ज निकल जाएगा आपका यहाँ से kl स्क्वायर बाय 2, यहाँ से उठाकर ऊपर पुट करेंगे हमारा निकल जाएगा फ्लक्स, ठीक। बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को सीखना, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक था वो हमने आपको आज बता दिया, कुछ दो चार सवाल बताए हैं, इन्हें एक बार अच्छे से बैठकर रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम फ्लक्स को फिनिश करेंगे, फ्लक्स को फिनिश कर देंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फ्लक्स हमारा पूरा हो जाएगा, एनसीईआरटी भी पूरी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर भी पूरे हो जाएंगे और जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन पढ़ के आना अच्छे तरीके से बिल्कुल। अच्छा, फ्लक्स से पहले का जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, कल जब आप आएंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं, मैं जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया तो वो बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए आप लोगों को,